नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि भारत और कतर के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। जैसा कि आपको बता दें कि अरब देशों में से एक फारस की खाड़ी में स्थित प्रायद्वीपी देश कतर, जिसकी राजधानी दोहा है, जहां की भारत के करीब 8 लाख लोग काम करते हैं। कुछ महीनों से चल रहा था कि भारत और कतर के रिश्ते ठीक नहीं है। जैसा कि यह कहने के पीछे का कारण थे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक। अगस्त 2022 में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को, जो कि कतर में काम कर रहे थे, उनको जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसमें बताया नहीं गया कि आखिर किस लिए गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि इस पर विश्लेषकों का मानना है कि पनडुब्बी परियोजना की जासूसी को लेकर के ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। जैसा कि कतर में अल दाहरा ग्लोब नाम की कंपनी है, जिसमें कि ये 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कार्य कर रहे थे। जैसा कि साल 2022 अगस्त के बाद करीब 1 सालों तक उन्हें जेल में रखा गया, और उसके बाद हुआ क्या कि अक्टूबर 2023 में उन्हें प्राथमिक सुनवाई के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। जैसा कि आपको बता दें कि कतर ने इस मामले पर पहले कुछ बताया नहीं था। ऐसे में जब जानकारी भारत के पास आई, तो ऐसे में भारत ने अपील की। ऐसे में तभी से कहा जा रहा था कि भारत और कतर के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा था कि भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जैसा कि दुबई में हो रहे COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर शेख दोनों के बीच 1 दिसंबर को मुलाकात होती है, और 4 हफ्तों के बाद यह मामला सामने निकल करके आता है कि पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा नहीं होगी, हालांकि उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ऐसे में यह था पूरा मामला, जिस मामले को लेकर के कहा जा रहा था कि भारत और कतर के बीच रिश्ते ठीक नहीं।